अपना काम करो, नमस्कार। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं News 24 Byte। आज हम आ पहुंचे हैं संग्रामपुर में, जहां पे जो यहां पे चुनाव का आज चरण है, वो सातवां चरण अभी जो कि है चल रहा है यहां पे। और आज मतदान का दिन है, यहां पे लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और आज जो है हमारे बहुत सारे मित्र सहपाठीगण भी हैं, जो कि हमारे साथ अन्य बूथों पर वो लगातार दौरे करते नज़र आ रहे हैं। और जो है हम काफ़ी मतलब कि देर से यहाँ पे जो मौजूद हैं, संग्रामपुर के प्रखंड के अनेक बूथों पर हमारी लगातार जो है दौरा लगातार जारी है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो आशंका थी हमें, वो लास्ट में हो ही गया। आखिरकार यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल रहने के बावजूद यहाँ पे शाम में जो है एक मतलब सुनी खबर जो आ रही है वो है कि यहाँ पे कहीं बम चला हुआ है, कोई नंदपुर जो है नंदपुर बूथ पे, जो कि अभी खबर मिलने तक जो है वो उस बम को जो है प्रशासन के द्वारा अभी तक अफवाह बताया जा रहा है। और इस खबर की पुष्टि News 24 Byte की टीम अभी नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि अफवाह भी हो, लेकिन बम चलने की कुछ सूचना जो है वो ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को दी जा रही है। और साथ ही साथ जो है हम लोग अनेक बूथों पर घूमे, जैसे कि दक्षिणी बरियरिया हो गया और मधुबनी हो गया। मधुबनी पंचायत को अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है वहाँ पे गोली भी चला था, जैसे कि आप लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि मुखिया प्रत्याशी रवि सिंह पे गोलीबारी हुई थी और वो जो है अस्पताल में भर्ती थे। और वो न्यूज़ जो है लगातार News 24 Byte की टीम कवरेज कर रही थी, और उस पंचायत में जो है काफ़ी गहमागहमी और की माहौल था, और वहाँ मतलब अनहोनी की आशंका को देखते हुए हमारी टीम जो है वहाँ मौजूद थी कि कोई गड़बड़ी ना हो और बूथ पे कोई कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं बबलिंग ना हो। और ये आशंका जो है लगातार ये मतलब कि शांतिपूर्ण जो माहौल है चुनाव में रहा, और इसकी जो सारी जो ये है जो जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की बनती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए। और यहाँ के प्रशासन को जो है हमारी News 24 Byte की टीम बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि इतनी चौक चौबंद की व्यवस्था रखी है कि इतनी मस्त मतलब कि चुनाव हुआ और जो है लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए, वोटिंग किए और फिर अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ की मतदाता भी काफ़ी उत्सुक और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो है एकदम कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसे हम लोग अन्य बूथों का दौरा किए, कहीं पे महिलाएं काफ़ी उत्सुक नज़र आईं। अभी जो है वोटिंग जो है 70% समथिंग वोटिंग जो है संग्रामपुर क्षेत्र में पूरा हो चुका है, और कुल टोटल पोल की बात करें तो 60% पोल यहाँ पे संग्रामपुर प्रखंड में हो चुका है। 70% समथिंग जो पोलिंग हुआ है संग्रामपुर प्रखंड में हो चुका है। और यहाँ पे जो है अगर हम बूथ के दौरा किए और वहाँ पे महिलाएं काफ़ी उत्सुक नज़र आईं। और आम पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में महिलाएं जो है काफ़ी पीछे नज़र आती थी, लेकिन महिलाएं जो है पुरुष से कंधा मिलाकर एकदम बराबर की वोटिंग महिलाओं की भी रही, महिलाओं को भी पूरी भागीदारी से उन्होंने अपना मतदान किया। और अगर बुज़ुर्ग की बात करें तो ऐसे बुज़ुर्ग भी हमें मिले कि जो 80+ थे और उन्होंने काफ़ी मतलब कि वो चलने लायक नहीं थे, वो भी बुजुर्ग को वहाँ वोटिंग सेंटर तक लाया गया और वो भी वोट किए। तो ये जो है काफ़ी सराहनीय चीज़ रही, और ये जो देखने को मिला हमें ये शायद कम ही मिलता है। तो News 24 टीम की बाइट जो है लगातार चुनावी कवरेज जारी है। News 24 Byte के साथ आप देख रहे हैं प्रिंस चौबे, धन्यवाद।